स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। उत्तराखंड में जहां 14 फरवरी को होने वाले मतदान पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वहीं राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी पर जानलेवा हमले की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग विधानसभा से यूकेडी उम्मीदवार मोहित डिमरी पर बीते रोज चुनाव प्रचार से वापस घर लौटते समय बाईपास पर बाइक सवार चार लोगों ने एकाएक हमला बोल दिया। इन पे चोट लगी है, केवल उनकी कार क्षतिग्रस्त हुई बल्कि वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी गाड़ी में थे और इन पे पता नहीं चल रहा कि किसने हमला किया है, लेकिन हाथापाई की गई है। ये अभी हॉस्पिटल में है, रुद्रप्रयाग हॉस्पिटल। कौन से रुद्रप्रयाग? भट्ट हॉस्पिटल में आप देख सकते हो, चार बंदे थे बाइक में। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि हमला किसने किया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिस कारण उनकी पहचान नहीं हो पाई। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हुई हैं, जिसके बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।